हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था बीमा, तो आप अपना कॉपी पेन अब निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए, मैंने ये कुछ दिया था आपके लिए होमवर्क, जिसमें बताना था आवृत्ति की बीमा। आवृत्ति क्या होता है बेटा? 1/ आवर्तकाल। आवर्तकाल टाइम है तो टी हो गया, तो टी की बहुमानस बन। आप सब बच्चों ने ट्राई है ना कर लिया होगा, जिससे नहीं हुआ वो सब कर ले जाए, है ना। तरंग दैर्ध्य क्या है? बेसिकली एक प्रकार का दूरी है। एक आवर्तकाल में किसी तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो ये दूरी है तो एल हो गया बेटा। ध्वनि का वेग, वेग एक प्रकार का वेग ही है। वेग का एल टी मानस बन होता है। हालांकि इसका सूत्र ये भी है, वी बस टू एन लैम्डा, एन टी की पावर मानस बन, ये एल तो एल टी मानस बन। एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको बेटा, ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक को दिखाते हैं कैसे। तो इसमें क्या है, कोई भी मान लीजिए कंडक्टर है, चालक है बेटा, चालक के एंड का, इनके मतलब सिरों का क्षेत्रफल ए है। चालक के सिरों के बीच की दूरी मान लीजिए एक्स है, ठीक है। इसमें टाइम टी में जो है ऊष्मा, ऊष्मीय ऊर्जा का मैंने होता है बेटा, ये ऊर्जा ही है, क्यू ऊर्जा फ्लो हो रही है। तो ये डेल्टा टी टाइम में जो ऊर्जा फ्लो हो रही है उसका मान होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू के डेल्टा टी ओवर एक्स इंटू टी ए। ये अगली यूनिट में आएगा। तो यहां से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्यू इंटू एक्स हो गया, ये के डेल्टा टी एक्स हो गया। डेल्टा टी बेसिकली टी ही में है ना विमा के लिए। तो के का वैल्यू क्या हो गया बेटा, क्यू एक्स ए टी टी। समझ में आ रहा है ना, एक एक स्टेप आप बहुत ध्यान से देखिए। आप लोगों का बेस बहुत कमजोर है, इसीलिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। क्यू का वैल्यू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया, एक्स की एल, ये एल स्क्वायर, ये के, ये टी। तो क्या हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर प्लस क्या हो गया, एम एल टी की पावर माइनस थ्री जाएगा। देखो वन है यहाँ, ऊपर जाएगा माइनस थ्री और टी की पावर माइनस वन। इस जो प्रकार से ये सब आपने सीखा, और भी बहुत सारी भौतिक राशि हो सकती है, लेकिन जो आपके कोर्स में 35-36 हैं उतनी आप याद रखो जो है, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो है बीमाओं के उपयोग की। आज नेक्स्ट लेक्चर है बीमाओं के क्या उपयोग हैं। बेटा देखिए, बीमाओं के उपयोग पहला उपयोग ही बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप देखिए। पहला क्या है, देखिए, बीमाओं की सहायता से एक मात्रक को एक सिस्टम से, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज कर सकते हैं। भौतिक राशि के मात्रक को किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से, एक सिस्टम से दूसरी पद्धति में चेंज कर सकते हैं, दूसरी पद्धति में बदलने के लिए, ठीक है बेटा। लिखा, छापते रहो साथ साथ। अब देखो बेटा, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो, मान लीजिए एक जो है सिस्टम और एक दूसरा सिस्टम, एक सिस्टम वन है, दूसरा सिस्टम टू है। कोई भी भौतिक राशि मान लो क्यू है ना, तो भौतिक राशि चाहे पहले सिस्टम में हो चाहे दूसरे सिस्टम में हो, ये तो क्या रहेगी, बराबर ही रहेगी। बताओ कोई प्रॉब्लम। दूसरा कोई भी भौतिक राशि है तो उसमें कुछ ना कुछ उसका है ना परिमाण होता है, आंकिक मान होता है। मान लीजिए एन वन है, इसमें वो मान हो जाएगा एन टू हो जाएगा। जब जब सिस्टम चेंज हो गया तो आंकिक मान भी चेंज होगा कि नहीं होगा, बताओ। अब मात्रक की चेंज हो जाएगा, मान लीजिए इसमें मात्रक है यू वन, तो इसमें यू टू। देखो ऐसी तो लिखते हैं। अगर कोई पूछता है, मान लीजिए आपसे पूछता है बल, बल जो क्या है, तो बल क्या बोलता है, 10 न्यूटन है, ठीक है। तो 10 क्या है, एन वन है और ये इसका मात्रक है, इसमें कोई और दूसरा मात्रक हो सकता है, न्यूटन है, ये एमकेएस है, अगर मतलब सीजीएस होता तो डाइन हो जाता, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे।
अब बेटा देखो मुझे एन वन की वैल्यू मालूम है, यू वन की मालूम है, यू टू की मालूम है ना। मान लीजिए मुझे जो है एक कोई सिस्टम है यू वन है ना, जिसमें मात्रक है यू वन, और ये है दूसरा सिस्टम जिसमें मात्रक है यू टू, और मुझे एन टू की वैल्यू चाहिए। बेटा देखना ध्यान से, एन टू इक्वल टू एन वन यू वन ओवर यू टू, बताओ कोई प्रॉब्लम? ये देखिए अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा ठंड ज्यादा है आज तो ये जो है बोर्ड में स्याही चिपक रही है। तो देखो बेटा n2 इक्वल टू n1, अब बताओ बेटा u1 क्या होता है? मात्रक, मात्रक को हम जो है मात्रक हम कहां से सीखते थे? MLT की फॉर्म से। तो पहले सिस्टम मान लो m1 है, मास का लेंथ का है l1, टाइम का है t1, और इसकी कुछ ना कुछ पावर भी देखी थी आपने, तो बेटा पावर आ गई। ये जो है पहले पद्धति में भौतिक राशि का मात्रक हो गया, दूसरी पद्धति में क्या हुआ? इसी प्रकार से m2 पावर a, एल टू पावर बी, टी टू की पावर सी। बेटा ये सीख लो, ये बहुत ही फंडामेंटल है, चाहे आप कक्षा 11 में रहें 12 में रहें, भौतिक विज्ञान हमेशा कृषि भौतिकी में यूज होती रहेगी, जलवायु विज्ञान में इस्तेमाल होती रहेगी। तो बेटा देखो एम टू इक्वल टू एन वन, अब देखिए ये दोनों की धातें एक हैं तो इन्हें ऐसे कर दो, देखो एल वन एल टू की पावर भी बी है तो ये ऐसे बी हो जाएगी, और T1 ओवर T2 की पावर भी सेम है तो C हो जाएगी। कितना खूबसूरत सा प्यारा सा रिलेशन आ गया, N2 equals to N1, M1 over M2 की पावर A, L1 over L2 की पावर B into T1 over T2 की पावर C। बताओ बेटा कैसा रहा? अब देखिए अब इस पर बेस मुझे चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है कि एक न्यूटन बल को डाइन में मतलब डी वाई एन डाइन में बदलिए। तो बेटा अभी ये तो मुझे मालूम नहीं पड़ा कि सिस्टम कौन से सिस्टम से किस सिस्टम में चेंज करना है, तो इसके मात्रक से मुझे मालूम पड़ता है। ये जो बेटा न्यूटन है ना, न्यूटन बल का जो है एम के एस मात्रक होता है, मतलब मीटर के जी सेकेंड, और जो डाइन होता है वो सी जी एस मात्रक होता है। तो बेटा इसमें देखिए एन एन वन की वैल्यू दी हुई है एक, और ये पहला जो मात्रक है वो है न्यूटन, और दूसरा मात्रक है सीजीएस, मतलब एम के एस है एक पद्धति और दूसरी पद्धति है सीजीएस। इसमें जो है भौतिक राशि कौन सी है? बल। और बल का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। तो होता कैसे है? एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी। तो अगर इन दोनों से कंपेरिजन करें तो बेटा ए की वैल्यू आ गई वन आ गई, बी की वैल्यू भी वन आ गई, सी की वैल्यू माइनस टू। सबसे पहला स्टेप आपका ये है। अब देखिए M1 आपको मालूम है, M1 किस में है? के जी में है। M2 आपका ग्राम में है, T1 सेकंड है, T2 भी सेकंड है, L1 मीटर है, L2 सेंटीमीटर है। आप बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, आपके कान मेरी बात को सुन रहे हों, आपकी आंखें बोर्ड पे हों और पेन चल रहा हो, तब जाके फिजिक्स आपकी कंप्लीट होगी और फिजिक्स आपके समझ में आएगी। तो बेटा रख लेते हैं तेजी से वैल्यू, देखो एम टू एन वन की वैल्यू वन, एम वन क्या है? केजी मतलब किलोग्राम, और एम टू ग्राम है, ए की वैल्यू वन है। बेटा रखते जाओ, जैसे जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है वैसे वैसे रखते जाओ, कुछ याद नहीं करना, बस फिजिक्स को मैथ की तरह करना है। ये सेकंड ओवर सेकंड की पावर माइनस टू। देखो बेटा सबसे खूबसूरत बात यह है, यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, मतलब वन की पावर माइनस टू, और वन की पावर माइनस टू होता है तो हमेशा क्या रहता है? वन ही रहता है। देखो बेटा वन की पावर कुछ भी हो, प्लस माइनस फ्रैक्शन सब क्या आएगा? आंसर वन आएगा, इसे आप रखो यार। अब देखो मुझे लाना है सी है ना सीजीएस में, तो मीटर को सेंटीमीटर में करना चाहिए, तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होते हैं बेटा, अपॉन सेंटीमीटर इनटू, देखो एक जो है किलोग्राम में 1000 ग्राम, ग्राम एम है ना, पावर पावर वन है, तो वन को लिखने की कोई कोई जरूरत नहीं है, और इसकी वैल्यू वन होगी।
तो ये सब कैंसिल आउट या कैंसिल आउट मत करो आप जो है, ये आप देख लो ग्राम में सारी चीजें चेंज हो गई ये सेंटीमीटर में। तो 1000 यहां पे बेटा कितना था, 1 था, 1 मल्टीप्लाई इनटू 100 इनटू 1 तो कितना था 1 2 3 4 5 एम टू की वैल्यू इतनी होगी, इसका मतलब कितना होगा 10^5 क्या होगा बेटा 9। तो 1 न्यूटन में कितना आ गया 10^5 डाइन। बस बताओ बेटा किसी कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई सा प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी एक आपके लिए वर्क है ना, मतलब क्लास वर्क आप करो भी। अब हम कह रहे हैं 1 जूल को अर्ग में बदलिए, 1 जूल को अर्ग में बदलिए। बेटा पढ़ने में आ रहा है, देखो जूल क्या है फिर से मैं बता दूं, जूल ऊर्जा का भौतिक राशि कौन सी है, ऊर्जा। ऊर्जा का बिंबी सूत्र मालूम होगा T-2 और अर्ग क्या होता है, ये सब CGS यूनिट है। तो जो है आप इसे है ना कीजिए अभी जो है, और मुझे इसका आंसर अभी आप बताएंगे। ओके बेटा बताइए आंसर, ओके ट्राई कीजिए आंसर बताएंगे आप 1 जून में कितने अर्थ होते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो है देखो इसमें क्या था, जूल और अर्थ जो है वेल नोन सिस्टम है कि एक MKS है और एक CGS है। अगर कोई अपनी ओर से बना ले सिस्टम तब भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि जी का वैल्यू 10 m/s² होती है। अब कह रहा है एक ऐसा सिस्टम है जहां मीटर को मुझे किलोमीटर में लेना है, उसका मन है किलोमीटर में, सेकंड को मुझे घंटे में लेना है। तब पूछ रहा है कि 10 m तो 10 m/s² कितने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के इक्वल होगी, सॉरी दिस वन। तो ये मीटर सेकंड माइनस टू, ये किलोमीटर आवर माइनस टू। तो ये मीटर, मीटर क्या होता है एम होता है, ये क्या होता है टी होता है, टी पर माइनस टू और एम तो जीरो हो गया। इसका मतलब एम का तो कुछ रोल ही नहीं रहा, ए का वैल्यू जीरो हो गया, बी का वैल्यू बेटा वन हो गया, सी का वैल्यू माइनस टू हो गया। बताओ हुआ कि नहीं, बताओ हो गया ना बेटा। अब इसका आंसर आप मुझे लेके आएंगे। तो बेटा ये एक महत्वपूर्ण उपयोग आपने सीखा जो है। इसके बाद एक जो है और चीज सीखते हैं कि देखिये विमाओं की सहायता से हम किसी भी समीकरण की विमीय सत्यता की जांच कर सकते हैं। दूसरा क्या, दूसरा प्रयोग समीकरण की, किसी भौतिक समीकरण की विमीय सत्यता। देखो मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, विमीय, विमीय सत्यता की जांच करने में कोई जो है ना समीकरण सत्य है या नहीं की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए। देखिए इन सब के लिए आपको एक जो है सूत्र, एक मतलब सिद्धांत सीखना है बेटा। उस सिद्धांत का नाम है विमाओं के समांगता का नियम। क्या बेटा बोलो, नोट भी करते रहिए, विमाओं के समांगता का नियम। इसे देखो और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। क्या बोलते बेटा, PhD। सबको आज PhD करा दूंगा बेटा जो है। ये प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण है, आगे आने वाली विमाओं की सारी प्रॉब्लम इससे हो जाएगी। तो बेटा ये प्रिंसिपल कह क्या रहा है, इसे सीखो, पहले ध्यान से सुनो। इस सिद्धांत के अनुसार वही भौतिक राशि आपस में जोड़ी अथवा घटाई जा सकती है। कोई भी इक्वेशन होगा तो उसमें या तो एडिशन हो रहा होगा या फिर बेटा घटाया। देखो जैसे एक इक्वेशन है V=U+AT या कोई इक्वेशन है T=2π√L/G। अब जो इसमें एक ही टर्म है तो सब प्लस और माइनस नहीं हो रहा। तो कोई भी जो है भौतिक राशि, वही भौतिक राशि आपस में घटाई अथवा जोड़ी जा सकती है जिनकी विमाएं समान हैं, अर्थात समान विमा वाली भौतिक राशि ही घटाई अथवा जोड़ी जा सकती है। लिख लो इसे जो है, ठीक है। या हम ये कहें कि कोई भी जो है समीकरण है
उसमें प्रत्येक पद, पद का मतलब जो है प्लस या माइनस साइन के साथ जो सेपरेट होगा वो पद है। यहाँ प्लस है तो एक पद ये होगा, एक पद ये, इसमें राइट हैंड साइड में दो पद हैं, इसमें एक ही है पद, जब तक प्लस माइनस नहीं है तब तक एक ही पद माना जाएगा, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में एक एक पद है, तो मान लीजिए इस जो है समीकरण की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि जो है किसी भी समीकरण के प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए, तभी समीकरण सत्य होगा। तो देखो एग्जाम में आया, मान लीजिए कि इस जो है समीकरण की भौतिक सत्यता की जांच कीजिए या विमीय सत्यता की जांच कीजिए, तो देखो बेटा एक टर्म क्या है वी। अब ये एग्जाम में देके रखेगा कि वी क्या है, वी क्या बला है, वो देके रखेगा वी वेग है मान लीजिए, तो वी लिख लो, वी की डायमेंशन लिखो एल टी माइनस वन, यू की डायमेंशन लिखो बेटा एक टर्म एल टी माइनस वन, तीसरे की लिखो ए टी की, ए की एल टी माइनस टू, और टी की बेटा टी, तो क्या हो गया एल टी माइनस वन। तो हमने देखा जो है तीनों पदों की विमाएं बराबर हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है विमीय रूप से सत्य है। कौन सा बताना बेटा, विमीय रूप, विमीय रूप इसीलिए क्योंकि मान लो यहां पे होता हाफ, होता हाफ एटी तब भी सब यही सेम आता, तब भी सब विमान इक्वल आती, लेकिन ये इक्वेशन जो है वास्तव में सत्य नहीं है। वास्तव में सत्य तो तब होगा जब हाफ नहीं आएगा, तो इसीलिए हमें ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि विमीय रूप से सत्य है, ठीक है। अब किसी प्रकार से कोई और ले लो जो है, कोई और ले लीजिए, देख है ना, देखिए जैसे कि जो है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ऐसे है कोई ले, तो बेटा देखो एस का लिखो, एस क्या है दूरी है, एल है, यू टी का लिखो, यू क्या है एल टी माइनस वन, वेग है, टी टी है, इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ भी एल दो जो पदों की विमा समान आ रही। और हाफ ए टी का देखो, इसकी समान आ रही है कि नहीं, हाफ हाफ का तो कुछ होगा ही नहीं बेटा, ए का एल टी माइनस टू और इसका टी क्या है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। तो बेटा देखो तीनों पदों की विमाएं समान नहीं है, अगर तीनों पदों की विमाएं समान नहीं है तो वो समीकरण 100% रॉन्ग होगा, 100% असत्य होगा, उसमें विमीय वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। जब मतलब विमाएं ही समान नहीं है तो फिर तो 100% वैसा जो है हर प्रकार से क्या हो गया सकते, तो आपको लिखना पड़ेगा चूंकि जो है प्रत्येक पद की विमा समान नहीं है, इसीलिए विमाओं के समानता के नियम के अनुसार ये समीकरण असत्य होगा, झूठा है ये समीकरण, जो बता ये समीकरण गलत है, ठीक है। बताओ कैसा रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है विमीय सूत्रों की जांच कर सकते, सूत्रों की विमीय सत्यता की जांच कर सकते हैं बेटा। इसी में जो है कभी कभी है ना पूछ लेते हैं, कोई एक इक्वेशन देंगे आपको ऐसे ए टी प्लस बी बाई टी स्क्वायर, अब ये बी तो देंगे वेग है, टी को देंगे टाइम है, लेकिन ए और बी के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, तो वो कह रहा है कि ए और बी का ए व बी की विमा व मात्र ज्ञात करो। बेटा विमा आ जाएगी तो मात्र भी आ जाएगा, तो ए और बी, तो इसका तीसरा जो है उपयोग यह है कि हम किसी भी समीकरण में अज्ञात भौतिक राशियों की विमा व मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो तो बी का वैल्यू, हाँ तो अब देखिए बेटा, तो हमें यहां क्या करना है, विमाओं के समानता के सिद्धांत का प्रयोग, पीएचडी क्या है वी, प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए। देखो यहाँ बी है, यहाँ ए टी है, टी की मालूम है बी की, तो ए की नहीं मालूम, तो यहाँ से आ जाएगी, तो क्या है बी की विमा ए टी की विमा की इक्वल होगी, और ए की विमा क्या होगी बी ओवर टी की विमा, और बी का विमा बताओ एल टी माइनस वन, ये टी, तो टी ऊपर चला जाएगा तो एल टी माइनस टू होगी इसकी मात्रक, है ना, मतलब विमा मात्रक एक ही बात होती, तो इसकी मात्रक क्या हो गया एम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो कोई ये पूछ ले, अब बी का बताओ, तो बी की विमा भी बी ओवर टी स्क्वायर की विमा की इक्वल होगी, तो फिर बी की विमा बी टी स्क्वायर की इक्वल होगी,
तो वी एल टी माइनस वन ये कितना हो गया टी का स्क्वायर, तो कितना हो गया बेटा एल टी माइनस वन प्लस वन हो गया एल टी हो गया। तो एल क्या हो गया मीटर और क्या हो गया सेकंड, मीटर सेकंड हो गया। बताओ कैसा रहा। तो इस जो प्रकार से हम किसी भी जो है, तो मैं इसमें दे देता हूं आपको कुछ क्वेश्चन, आप ऐसा मतलब घर से ऐसा करके लेके आएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। पहले लेक्चर में देखिए बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया, मुझे आंसर चाहिए होता तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको और एनर्जी के साथ पढ़ा पाऊंगा। मान लो ऐसे एफ क्या है बेटा बल है और टी क्या है बेटा टी है समय, एस इक्वल टू ए ओवर टी स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर, एस क्या है दूरी है टी फिर से टाइम है, ठीक है बेटा कर लोगे है ना, करके मुझे इसके आंसर दोगे ठीक है। अब जो है इसका चौथा भी एक तरीका हो सकता है, चौथा इसका ये हो सकता है बेटा कि विमाओं की सहायता से हम किसी भी समीकरण को सिद्ध कर सकते हैं, मतलब समीकरण को स्थापित कर सकते हैं, कोई भी स्थापित करना मींस डेरिवेशन कर सकते हैं। तो अब कोई भी मान लीजिए इस प्रकार से है, कोई सूत्र हमने आपको बताया अवकेंद्र बल का सूत्र एम वी स्क्वायर ओवर आर होता है, तो बेटा क्या है कोई भी एक भौतिक राशि, ज्यादा से ज्यादा तीन भौतिक राशियों पर डिपेंड हो रही हो, कोई भी एक भौतिक राशि तीन भौतिक राशियों पर डिपेंड हो रही है निर्भर हो रही है, ये क्वेश्चन में आपको देगा, फिर ये कहेगा कि जो है उस भौतिक राशि के लिए सूत्र स्थापित करो। तो बेटा मान लो ऐसी इसी में दिया कि जो है ना किसी वृत्ति गति करती हुई वस्तु पर लगने वाला अवकेंद्र बल एफ मान लो उसका, वस्तु के द्रव्यमान एम, उसके वेग बी और वृत्त की त्रिज्या आर पर निर्भर कर रहा है, तो अवकेंद्र बल के लिए सूत्र स्थापित करो। तो बेटा देखो यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू प्रश्न के अनुसार एफ डायरेक्ट टू क्या होगा कुछ पावर आ जाएगी इसकी, जो सूत्र में बेटा पावर होती है कभी प्लस माइनस कुछ नहीं, ठीक है सारी पावर इसमें प्लस होती है तो हमें सब पावर प्लस मिलानी है। तो एफ इक्वल टू कुछ कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई होगा, ये वाला साइंस इक्वल टू में आएगा तो कॉन्स्टेंट के। अब बेटा इस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, के क्या है ध्यान से देखना, विमाहीन नियतांक है, इसकी कोई विमा नहीं होती है, विमाहीन नियतांक बहुत हीन है भैया, विमाहीन नियतांक। अब क्या करें, अब ये मालूम है मुझे जो है एबीसी की वैल्यू मालूम हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा बेटा। अब देखिए एबीसी की वैल्यू के लिए फिर से मुझे पीएचडी बाबा को याद करो, समानताओं विमाओं के समानता के सिद्धांत से देखो बेटा, एफ की लिखो विमा एम एल टी माइनस टू, दोनों ओर की विमा क्या होंगी समान होंगी, के की विमा क्या होगी बताओ विमा ही है कोई विमा ही नहीं होगी, एम की द्रव्यमान में एम ही होगी, वी की एल टी माइनस वन होगी इसे हटा देता हूं, आर की ओवर सी। अब देखो यहां एम एक ही है तो इस साइड में कर लो एक ही है, एल देखो दो है ये बी है एल की पावर बी या एल की पावर सी, तो मैंने आपको बताया जब भी सेम जो है आधार समान आधार की घातें आपस में जुड़ जाती हैं, एल की पावर बी है यहाँ एल की पावर सी बी प्लस सी, सबको समझ में आना चाहिए बताइए, और टी की घात माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया एम एल टी की पावर माइनस टू। अब देखो बेटा दोनों ओर समान आधार हैं एल एल है और बीच में इक्वल टू का साइन है, इसका इसकी आधार भी इसकी घातें भी दोनों ओर समान होंगी, एम की घात क्या ए यहाँ कितनी बन तो ए की वैल्यू बन आगे बताओ आगे कि नहीं आगे मजा जो है यहाँ पे क्या रख देंगे ए की वैल्यू बन, देखो बी प्लस सी की वैल्यू बनना बी की आई ना सी की आई, यहाँ देखो माइनस बी यहाँ है और यहाँ टी की माइनस टू है तो बी इक्व टू माइनस टू बी, तो बी इक्व टू प्लस टू देखो बी की भी आ गई ये भी मजा आ गया, यहाँ बेटा रख दो बी की वैल्यू टू प्लस सी इक्व टू वन, तो सी इक्व टू वन माइनस टू
मानस बना गया। बताओ बेटा कैसा था, एबीसी की वैल्यू आ गई। अब एबीसी की वैल्यू समीकरण एक में रख दो बेटा, तो एफ इक्वल टू क्या गया, के एम की पावर वन बी की पावर प्लस टू और आर की पावर माइनस वन। लेकिन सूत्र हमारे किस में होते हैं, सारी घातें प्लस में होती हैं, तो प्लस में बताओ, ये तो प्लस में है, ये एक को लिखते नहीं है, ये प्लस में, ये प्लस में नहीं, तो नीचे लेके आ जाओ। यही बेटा सूत्र है, इसे ही बोलते हैं अवकीर्ण निर्भर का सूत्र। के की वैल्यू मुझे मालूम नहीं होती, यही विमाओं का दोष भी है, के का मान जो है विमीय विश्लेषण से ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसीलिए आप एग्जाम में यहाँ तक छोड़ के आएंगे। लेकिन अगर आप चाहें, आपको जानना है कि के की वैल्यू क्या होती है, तो ये सिर्फ प्रयोगों द्वारा मालूम हुई, प्रयोगों द्वारा मालूम हुआ कि के तो एक विमान ही होगा, तो के का वैल्यू एक होती है, हर केस में एक नहीं होगी, यहाँ पे एक है, तो इस प्रकार से सूत्र याद है, एग्जाम में यहाँ तक छोड़ के आना है, ठीक है। अब एक लिख लो होमवर्क जो है, तो होमवर्क में जो है आप लिखो बेटा, होमवर्क में आप मुझे बताओ, देखो क्या होमवर्क, एक जो है सरल लोलक है ना, सरल लोलक सबने लैब में देखा है, सरल लोलक का आवर्त काल, लोलक के द्रव्यमान m, लोलक की लंबाई l और वृत्तीय त्वरण g पर निर्भर कर रही है, ठीक है बेटा। तो ऐसे ऐसे हो गया, तो t का सूत्र स्थापित करो, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो है ये आपके प्रयोग समाप्त हो गए, तो ये आपका होमवर्क है बेटा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए चाहिए, ठीक है। छापो जल्दी से, छाप लिया, छापो छापो। अब ले लीजिए जो है, यदि आप छाप नहीं पा रहे हैं तो आप जो है पोज कीजिए, आप जो वीडियो को रोक रोक के आप देखो आराम से, इस समय सारा कंट्रोल आपके हाथों में, जैसे चाहो टीचर को सर नचाओ जो है, जब भी आप रुकने के लिए कहोगे टीचर रुक जाएगा, जब भी दौड़ने के लिए कहोगे टीचर दौड़ने लगेगा, आप कहोगे सर धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलने लगेंगे, तेजी से बोलो तो तेजी से बोलने लगेंगे, सारा कंट्रोल इस समय स्टूडेंट के हाथ में है। ऑनलाइन क्लास का यही फायदा है, बच्चा जो है सर्वे सर्वा है। देखो बेटा अब आपको ये मालूम करना है कुछ ऐसी भौतिक राशियों के, है ना क्वेश्चन देखो आप, कुछ ऐसी भौतिक राशियों के नाम लिखो जिनकी विमाएं समान होती हैं। क्वेश्चन नंबर वन, ऐसी भौतिक राशियों के नाम लिखो जिनकी विमा ही नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर टू, ऐसी भौतिक राशि जिनकी विमा नहीं होती लेकिन उनका मात्रक होता है, है ना, विमा नहीं है और मात्रक होता है, फिर भी मात्रक होता है। अब तक हमने सीखा विमान ही तो मात्रक है, मतलब कहां से आया भाई, विमान से तो मात्रक आ रहा है, तो जो है ये इन भौतिक राशियों को बोलते हैं बेटा, लिख लो नोट में, लिख लो नोट में, पूरक भौतिक राशियां, क्या बोलते हैं बेटा, पूरक भौतिक राशियां, ठीक है। ये कौन कौन सी होती है, कोण, कोण मतलब एंगल, प्लेन एंगल, कोण क्या होता है, आर्क बटे त्रिज्या, मतलब चाप बटे त्रिज्या। देखो चाप भी क्या होती है, एक प्रकार की लेंथ है, एल बटे आर, तो एल ओवर एल क्या होगा, विमाहीन, लेकिन फिर भी इसका मात्रक आपको मानना पड़ेगा, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन, है ना, कोण का मात्रक आप लोगों ने सीखा होगा डिग्री, तो डिग्री को भी रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, तब ऐसा ही सिस्टम आ पाएगा। दूसरा होता है घन कोण, घन कोण मीन्स सॉलिड एंगल, इसे दिखाते हैं, ओमेगा, डब्लू मत बोल देना, ये है ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू होता है क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे त्रिज्या का स्क्वायर, क्षेत्रफल एल स्क्वायर, त्रिज्या एल का स्क्वायर, कैंसिल आउट, विमाहीन, इसका ऐसा ही मात्रक होता है स्टे रेडियन, क्या होता है स्टे रेडियन,
क्या बोलते हैं शॉर्ट में एसटीआर। तो बेटा ये आपको करना है। चौथा क्वेश्चन ये, क्या ऐसी कोई भौतिक राशि हो सकती है जिसका विमा है लेकिन मात्रक नहीं है? तो दुनिया में ऐसी कोई भौतिक राशि अब तक पैदा नहीं हुई जिसकी विमा हो और मात्रक नहीं हो, कोई नहीं है, नो वन, तुम सा कोई नहीं, जिसकी विमा नहीं है, सॉरी विमा है लेकिन मात्रक नहीं हो। विमा होगा तो मात्रक तो फिर अपने आप बनी बनी जाएगा, हाँ, लेकिन ऐसी भौतिक राशि है जिनके मात्रक हैं लेकिन विमा नहीं है, विमा नहीं है फिर भी मात्रक है, इसे बेटा समझना ध्यान से जो है। तो जो है इस प्रकार से ये हुआ। चौथा क्वेश्चन ये है, पांचवा क्वेश्चन कि आपको जो लिख के लाना है कि जो है विमीय, विमीय सूत्र, सॉरी विमीय विश्लेषण की क्या जो है क्या कमियां हैं। एक छोटी सी बात और जो समझ और मत कर लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं विमा क्या होती है। तो बेटा देखो विमा की डेफिनेशन देखो, विमा की परिभाषा, किसी भौतिक राशि की होगी विमा, विमा की परिभाषा तो क्या होगा बेटा, किसी भौतिक राशि की विमा, वह घाते हैं विमा के बारे में पढ़ ली आपको, किसी भौतिक राशि की विमा, मान लीजिए एफ की विमा क्या होती है, MLT-2। कहने का मतलब किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों या मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई घातें, एम पे कितनी घात चढ़ाई, +1, एल पे +1, टी पे -2, ये घातें ही उस भौतिक राशि की विमा कहलाती है। ठीक है बेटा, ये देखो MLT-2, इसे बोलते हैं बेटा विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, और देखो बेटा ये इस टाइप से हमने लिखा है इक्वेशन के फॉर्म में, तो इसे बोलते हैं विमीय समीकरण। तो थैंक यू बच्चों, ये जो है लेक्चर यहां पे खत्म हुआ। किसी को कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखो, और जो है यदि ये चैनल आप लोगों के काम में आ रहा है और ये सब चीजें आप लोगों के लिए लाभदायक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।